सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमिक चबाना। जैसा कि सब आप लोग जानते ही हैं, मैं प्रेडिक्टिव साइंस में काम करती हूं, स्पिरिचुअल हीलिंग में काम करती हूं, अल्टरनेट हीलिंग्स में काम करती हूं, लोगों को उनके सवालों के जवाब देती हूं, उनको उपाय बताती हूं, चाहे वो कुंडली देख के बताऊँ, चाहे टैरो कार्ड्स देख के बताऊँ, चाहे रेकी से हीलिंग्स दूँ, चाहे स्विच वर्ड्स के उपाय बताऊँ, चाहे पूजा मंत्र जेम्स पहनना, कुछ भी बताऊँ, उपाय उपाय होते हैं। कोई भी उपाय करने हो, कोई भी सॉल्यूशन करना हो, तो कब कौन सा उपाय करना चाहिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये रहता है। देखिए, उपाय, कोई भी उपाय फॉलो करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है हम किस चीज के लिए उपाय कर रहे हैं, हमारी परेशानी क्या है, कौन सी तकलीफ है, कौन सा हमारा प्रश्न है, किसको हम रेक्टिफाई करने के लिए या किस चीज से मुक्ति पाने के लिए हम वो उपाय कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड होता है समय कि किस वक्त उस उपाय को करना है, किन दिनों में करना है, कौन से वार करना है। तो आज मैं आपको सबसे पहले यही बताने जा रही हूं। आज का बहुत ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि कब करें, कैसे करें। देखिए, जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया हुआ है, पक्ष, सबसे पहले तो हम पक्ष देखेंगे, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वो पक्ष होता है जब चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है, अमावस के बाद बढ़ना शुरू होता है, धीरे 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 वो पूर्ण होता चला जाता है, फिर पूर्णमासी आती है। तो जो ये बड़ा होने का जो ये प्रोसेस है, इसको कहेंगे शुक्ल पक्ष। ये 15 दिन का पक्ष होता है। उसके बाद जब चंद्रमा घटना शुरू होता है तो वो कृष्ण पक्ष हो जाता है। जब पूरे चंद्रमा जो है घटता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, फिर अमावस आ जाती है, राइट, कृष्ण पक्ष होता है। अब हमें कौन सा उपाय कब करना चाहिए? जिस चीज को हमें अपनी लाइफ में बढ़ाना है, जिसको हम और चाहते हैं, पैसा, प्रेम, संबंध, एजुकेशन, नौकरी, प्रोस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ, सुख सुविधा, इन सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है, उपाय है, वो हमें बढ़ते हुए चंद्रमा में करना चाहिए, शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। जब आप शुक्ल पक्ष में इन उपायों को करते हैं, आपको कोई नग पहनना है या आपको कोई पूजा करनी है या कोई और उपाय करना है, तो वो आपको शुक्ल पक्ष में करना चाहिए जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, क्योंकि चंद्रमा बढ़ोतरी की तरफ होता है। तो जो भी जिस चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, उसका उपाय बढ़ोतरी की तरफ करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। अब हमें कृष्ण पक्ष में कौन से उपाय करने चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमें कोई उपाय नहीं करने चाहिए, तब भी हमें उपाय करने चाहिए। तब हमें वो वाले उपाय करने चाहिए जिनको कि हमें घटाना है, क्योंकि पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, फिर आता है अमावस। तो इसलिए अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नजर लग गई है, या कुछ किसी को लग रहा है कि कुछ इविल आई है, कुछ सही नहीं है, कुछ ऊपरी हवा है, या जो है और कोई बीमारी हारी आ गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कोर्ट केस आ गया है, कोर्ट केस आ गया है, क्योंकि कोर्ट केस को हमें काटना है ना, कम करना है, तो हम कृष्ण पक्ष में करेंगे उसको। किसी को अच्छी नौकरी चाहिए तो वो हम जो है बढ़ते में करेंगे, और किसी को अगर कोई चीज खत्म करनी है तो वो कृष्ण पक्ष में करेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पक्षों के बाद में आते हैं हमारे वार, तिथि, दिवस।
अब जो चंद्रमा के उपाय हैं वो हमें सोमवार को करने चाहिए, मंगल के उपाय हमें मंगलवार को करने चाहिए, बुध के उपाय हमें बुधवार को करने चाहिए, बृहस्पति के जो उपाय हैं वो हमें बृहस्पतिवार को करने चाहिए, गुरु के उपाय, फिर शुक्र के उपाय हमें सारे शुक्रवार को करने चाहिए, शनि के उपाय शनिवार को करने चाहिए, सूर्यदेव के सारे उपाय हमें इतवार को करने चाहिए, संडे को करने चाहिए। ठीक है, चलिए। और ये सारी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर तिथि, तिथि पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा ज़रूर से। उसमें मैंने बताया है कि प्रथम द्वितीय तृतीय ये सारी लेके 15 तक की तिथियाँ, कौन सी तिथि सही रहती है और कौन सी तिथि सही नहीं रहती है कोई भी उपाय करने के लिए। अगर आप किसी भी उपाय का पूर्ण फल चाहते हैं तो आपको तिथि को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको काफी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा उपाय कब करना चाहिए। वीडियो बंद करते टाइम दोबारा से आपको बता देती हूँ, जिस चीज़ को हमें ज़िंदगी में बढ़ाना है, अपने पैसा, प्यार, प्रोस्पैरिटी, अच्छी हेल्थ, वो हमें बढ़ते हुए चंद्रमा यानी कि शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, और जिन चीज़ों को हमें घटाना है, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना है, वो सारे उपाय, जैसे कि ख़राब हेल्थ है तो उसको ख़त्म करना है, या फिर लग रहा है कि नज़र लग गई है, नज़र दोष है तब, या जो भी चीज़ है जिनको ख़त्म करना है, किसी के साथ दुश्मनी है उसे ख़त्म करना है ना, तो वो भी आपको कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। तभी मुझे आज्ञा दीजिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी जो है काम का लगा होगा। हाँ हाँ, काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट मैं टेलीपैथी पे तो वीडियोस दे रही हूँ, उनको ज़रूर आप देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और आगे मैं नक्षत्रों के ऊपर भी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि नक्षत्र क्या, कौन सा नक्षत्र कौन से ग्रह प्लैनेट का है, ग्रह का है, बहुत सारी चीज़ें। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू सो मच।